अस्सलाम वालेकुम माय शुगर कैंडीज, आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन एंड लेट्स ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 23 एंड द टॉपिक इज साइलेंट लेटर्स। आई साई ल ए न लैन साइलेंट साइलेंट ल ए ट लेट ट र ट लेटर्स लेटर्स साइलेंट लेटर्स। साइलेंट किसे कहते हैं? खामोश को। ठीक है, आज हम साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेटर वर्ड में मौजूद तो होते हैं, हम उसको राइट तो करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई साई ल ए न लैन साइलेंट साइलेंट। आज हम साइलेंट एच ह को पढ़ेंगे। ओके ये देखिए, ये बहुत ही प्यारे से स्कूल की पिक्चर हमें नज़र आ रही है। चले आए हम स्कूल के नेम को विद इन फोनिक्स पढ़ते हैं और देखते हैं स्कूल में कौन सा ऐसा लेटर है जो कि साइलेंट है। स्क ऊ स्कूल स्कूल। जी हाँ, स्कूल में हमने ह की आवाज़ को नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डबल ओ से पहले एच जो है वो साइलेंट है। जी हाँ, साइलेंट है, इसीलिए इसकी ना ही तो आवाज़ हमें नज़र तो आ रहा है, लेकिन इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर इसकी आवाज़ नहीं आ रही इस वर्ड में, तो हम क्या बोलेंगे? एच इज़ साइलेंट। ओके, एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर पढ़े ऊल ऊल स्कूल स्कूल। तो हमारा स्कूल है, तो इसमें एच ह साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर नज़र आ रही है, नाइफ। क्या है ये चीज़? नाइफ। आई साई ल एन लैन साइलेंट साइलेंट क। जी हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे साइलेंट क। कहाँ कहाँ साइलेंट होता है? ये अच्छे से याद रखें कि एन से पहले क आ जाए तो वो हमेशा ही साइलेंट होता है। एन से पहले के आ जाए तो वो हमेशा खामोश होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बोलता, क्योंकि एन से उसकी बनती नहीं है, एन से उसकी फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो फिर एन के साथ बातें नहीं करता। तो हम क्या करेंगे? हमने इससे पूछा व्हाट इज़ योर साउंड, मिस्टर व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन ये बिल्कुल साइलेंट है, ये नहीं बोला। चले हम अब अगले से पूछते हैं, न आई फ नाइफ। मैजिक मैन लास्ट में साइलेंट होता है हमेशा, और मैजिक मैन कॉन्सोनेंट के बाद, अगर वाउल के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद मैजिक मैन आ जाए, तो मैजिक मैन क्या करता है? वाउल का साउंड ले लेता है। आई का साउंड क्या है? ई। नेम क्या है? आई। साउंड तो मैजिक मैन ने ले लिया, बाकी इसका नेम बचा, तो हम इसको नेम के साथ पढ़ेंगे, न आइफ नाइफ। ओके स्टूडेंट, आज का आपका लेसन यही था। स्कूल और नाइफ के स्पेल आपने लर्न करने हैं और अपने रेफ्रिजरेटर पे राइट करने हैं इनको, और आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि एन से पहले के, डबल ओ से पहले एच साइलेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।